A very good evening to everyone. This is your friend CSGT Saluja welcoming you all on our YouTube channel. क्या हाल चाल है बच्चे आप सब लोगों के? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी 21 नवंबर का CSET का रिजल्ट क्वालिफाई किया है. और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं और करण सर हम दोनों लोग उन CSET स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं जिनके लिए हम आज आपके सामने आए हैं. तो ओवर टू यू करण सर, प्लीज़ आप पहले बच्चों को विश करिए और फिर वैसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने प्लान को. हाँ जी, मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने 21 नवंबर को CSET एग्जाम क्लियर किया है. सर देखो, मुबारकबाद तो बहुत हो गई बधाइयाँ हो गई हैं. अब बात ये आ रही है सर, हम ये सोच रहे थे कि बच्चों के दिमाग में डाउट्स बड़े सारे हैं सर, वो क्लियर तो हो गए हैं, बट अब आगे क्या, मतलब दे आर थिंकिंग कि अब नेक्स्ट व्हाट, अब हमको क्या करना है. तो आप क्या कहोगे बताओ. सर देखो, वैसे तो हम लोग आज क्लास ले रहे थे दिसंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों की भी, और अब क्योंकि न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले सर, हम लोग प्लान तो कर चुके हैं, लगभग नेक्स्ट वीक से सबकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, बट कुछ डाउट्स हैं बच्चों के मन में जो मेरे को लगता है कि अभी क्लियर हो जाएंगे सर तो ज़्यादा बेटर है. नहीं क्योंकि ना बच्चे डाउट लेकर क्लास लेने आएंगे ना तो कहीं ना कहीं उनका माइंड सेट क्लियर नहीं होगा कि क्या करना है. तो पहला सबसे बड़ा डाउट है, सबसे पहला डाउट जो है वो है कि भाई लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है सर. तो मैं आपको बता दूँ, दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, दो चीज़ें क्या कहते हैं, एक तो आपको जून 2023 में एक ग्रुप देना है या दो ग्रुप देने. अभी करण सर आपको गाइड करेंगे कि दोनों ग्रुप देने का क्या फायदा है, और मेरे को भी लगता है कि दोनों ग्रुप देने चाहिए, बट फिर भी मैं आपको, हर तरीके का स्टूडेंट है सर, ICSI ने आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो मेरे को लगता है कि हमको आपको अवेयर कराना चाहिए कि ऑप्शन क्या क्या है. तो पहला ऑप्शन तो यही है कि भाई अगर आपको दोनों ग्रुप के लिए अपियर होना है जून में, तो आप समझ लीजिए कि 30 नवंबर आपके लिए लास्ट डेट है सर. 30 नवंबर अभी ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि हफ्ता भर है आपके पास, और आपको हफ्ते भर के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है. एक हफ्ते में रजिस्ट्रेशन करा लिया टिल 30 नवंबर, तो आप दोनों ग्रुप्स देने के लिए एलिजिबल हो. अदरवाइज अगर आप 1 दिसंबर को भी रजिस्ट्रेशन कराओगे तो ICSI आपको दोनों ग्रुप नहीं देने देगा. और अगर आप एक ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं फिर तो आपके पास बहुत टाइम है, मस्त मजे मारो. अभी आपके पास 31 जनवरी तक का टाइम है, आप एक ग्रुप के लिए अपियर अगर होना चाहते हैं तो 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कराओगे. लेकिन मेरे को लगता है टाइम पे रजिस्ट्रेशन करा लोगे, मॉड्यूल्स वगैरह सब आपके पास जल्दी टाइम पे रिसीव हो जाएंगे. सेकेंडली, टाइम पे रजिस्ट्रेशन कराओ यार, पंचुअल रहो. हम लोग कंप्लायंस ऑफिसर बनने वाले हैं, CS हैं, लेट क्यों करेंगे काम, जल्दी से जल्दी करेंगे. लेकिन अब मेरा सबसे बड़ा जो बच्चों का सवाल है सर, कि एक ग्रुप देना चाहिए या दोनों ग्रुप देना चाहिए, तो मेरे को लगता है सर आपको गाइड करना चाहिए, क्योंकि आपने भी दोनों ग्रुप दिए हैं, हमने भी दोनों ग्रुप दिए हैं, तो मेरे को लगता है कि हम लोग को गाइड करना चाहिए बच्चों को कि दोनों ग्रुप देने चाहिए या सिंगल ग्रुप देना चाहिए. तो प्लीज़ सर आप गाइड करें. सर देखो, अगर मैं बात करता हूँ दोनों ग्रुप देने की, सर दोनों ग्रुप देने का एडवांटेज तो होगा बच्चों को, बिल्कुल है. आप कहते हो नहीं कहते हो? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है. सर देखो, एडवांटेज क्या होगा, अच्छा बच्चों को ना सर यही पता नहीं होता कि एग्जेम्पशन क्या होती है, ग्रुप क्वालिफाई क्या करना है, कैसे करना है, सेट ऑफ क्या होता है. तो असल में मैं पहले आपको ये बता दूं, देखो आपकी एक ग्रुप में 4 एग्जाम्स है. अभी फिलहाल हम ओल्ड सिलेबस की बात कर रहे हैं, अभी हम न्यू सिलेबस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी जो प्रेजेंटली आपका सिलेबस चल रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है. अब आपके एक ग्रुप में 4 एग्जाम्स है, तो अगर आप जो पासिंग क्राइटेरिया आपका, इन सिंगल एग्जाम यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 40 मार्क्स, इन एग्रीगेट यू हैव टू स्कोर 50% मार्क्स, यानी कि अगर आपका 400 नंबर का पेपर है तो आपको उसमें से एक में 40 नंबर चाहिए सर कम से कम, और एग्रीगेट 200 मार्क्स चाहिए आपको, ठीक है. अब अगर मान लो आपके सब में 40 40 40 40 आ जाते हैं, तो आप पास तो हो सर सब सब्जेक्ट में, बट आपके टोटल 200 नहीं बैठ रहे तो आपका ग्रुप क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा, ठीक है. अगर आपके सर 220 नंबर आ जाते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल एक में 60 आ गए, एक में 40 आ गए, एक में 45 आ गए, किसी में 39 आ गए, मैंने टोटल नहीं लिया 220, बट जो भी है कुछ भी, अगर मान लो एक में 40 रह गए कि 40 नहीं आए, तो फिर आपका वो ग्रुप फेल माना जाएगा. बट जिस एग्जाम में आपके 60 मार्क्स आ जाएंगे तो वो वाला पेपर आपको दोबारा से नहीं देना, वो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है. बट इसके लिए कंडीशन ये रहती है कि आपको सारे एग्जाम्स में अपियर होना पड़ेगा, ठीक है, आपको सारे एग्जाम्स में अपियर होना पड़ेगा. अब बात आती है सर, अगर हम दोनों ग्रुप देते हैं तो दोनों ग्रुप देने का क्या हमको स्पेशल एडवांटेज मिलेगा? बेटा दोनों ग्रुप देने का आपको स्पेशल एडवांटेज ये मिलेगा कि अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हो ना, तो आपको इंडिविजुअल ग्रुप में 200 मार्क्स नहीं देखने, फिर आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा. अब सर बच्चे पूछते हैं सेट ऑफ का बेनिफिट क्या होता है, तो सेट ऑफ का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके एक ग्रुप में आ गए 190 मार्क्स, ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि हर एग्जाम में एटलीस्ट 40 मार्क्स होने चाहिए, वो तो चाहिए, ठीक है. अब आपके एक ग्रुप में आ गए 190 और दूसरे ग्रुप में आ गए 210, तो मिला के आपके 400 देखे जाएंगे. अगर मिला के 400 हो गए तो आपके दोनों ग्रुप पास है सर,
ठीक है। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज सर, जो बच्चे का ड्रीम होता है कि हम बहुत मेहनत करेंगे और हमें रैंक लानी है। क्या लानी है? रैंक। रैंक का तो सर मजा ही अपना अलग है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मजा। अच्छा, हम दोनों रैंक होल्डर हैं। हाँ सर, तो हमको मेरे को लगता है कि रैंक एक ऐसी चीज है जिंदगी भर के लिए आपके नाम के साथ जुड़ जाएगी सर, कि रैंक होल्डर, ऑल इंडिया रैंक होल्डर। तो अगर वो रैंक आपको तब मिलेगी जब आप दोनों ग्रुप्स एक साथ देंगे। अगर आप सिंगल सिंगल ग्रुप करके देते हो तो फिर आपको रैंक का एडवांटेज नहीं मिलेगा। इवन इफ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लो, आप 400 में से 400 ले आओ, डजंट मैटर, बट आपको रैंक नहीं मिलेगी। रैंक आपको तब मिलेगी जब आप दोनों ग्रुप क्या करते हो, एक साथ अपीयर करते हो। बिल्कुल। तो सर दो सबसे बड़े एडवांटेज दोनों ग्रुप एक साथ देने के, फर्स्ट इज कि आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा और दूसरा आपको रैंक का फायदा मिलेगा। बट अब सर बच्चे के दिमाग में एक डाउट आ जाता है कि चलो अगर मान लो, देखो सर हर कोई तो कैपेबल नहीं होता ना कि वो दोनों ग्रुप एक साथ अपीयर करे, क्योंकि बच्चों के अपने भी सरकम चांसेस हैं। तो आप क्या सजेस्ट करोगे, मतलब क्या कहोगे कि कौन सा ग्रुप पहले देना चाहिए? सर बॉम्ब तो आपने मेरे ऊपर छोड़ दिया। देखो वैसे तो बच्चे मेरे को जैसे करण सर ने आपको एक्सप्लेन किया, मेरे को लगता है कि यार ये बिल्कुल सही बात है कि आपको दोनों ग्रुप देने चाहिए। और जैसे सर ने बोला 190 और 210, अभी आपको सुनने में लग रहा होगा अरे क्या ही है 10 मार्क्स, सर 10 मार्क्स समझ लो 6 महीने का गेम है। तो मेरे को लगता है कि यार देखो वैसे आप ट्राई करो दोनों ग्रुप के लिए, हर बच्चा कैपेबल है बिल्कुल है, लेकिन सरकमस्टांसेस जैसे सर ने बोला बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन रीजंस की वजह से, और ICSI ने भी हमको ऑप्शन दिया है तो सर कुछ सोच समझ के दिया होगा। ICSI आपसे कहता है आप एक ग्रुप देना चाहो एक ग्रुप दो, फर्स्ट देना चाहो फर्स्ट दो, ग्रुप टू देना चाहो ग्रुप टू दो। बट देखो आप किसी से भी पूछोगे ना, सब मेरे को लगता है सर कि अपनी अपनी एनालिसिस करके बताएंगे और आप अपना डिसीजन खुद कभी ले ही नहीं पाओगे। तो मेरे को लगता है कि देखो अभी इंस्टीट्यूट्स सब आपके फेवर में काम करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है सब पढ़ाने के लिए बैठे हैं और सब एक्चुअल में आपको पढ़ाना चाहते हैं। मेरे को लगता है कि आप ना दोनों ग्रुप्स की क्लासेस स्टार्ट करो, फर्स्ट वीक 10 दिन 15 दिन क्लास लेके देखो, और क्लास लेने के बाद आप डिसाइड करो कि आपको ग्रुप वन करना चाहिए या ग्रुप टू करना चाहिए। क्योंकि देखो दोनों में ही चार चार सब्जेक्ट्स हैं, दोनों में न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स भी हैं। टैक्स ग्रुप वन में न्यूमेरिकल है एक तरीके से, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और मैं कहता हूं सर लॉ भी प्रैक्टिकल ही है अपने आप में, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। तो मेरे को लगता है कि आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि ग्रुप वन देना है या ग्रुप टू देना है। क्यों? क्योंकि आप पहले क्लास लेके देखो, फिर आपको कभी भी ना रिग्रेट नहीं रहेगा कि या मैंने ग्रुप टू पहले कर लिया होता या ग्रुप वन पहले कर लिया होता, हाँ, या किसी के कहने पे किया, फिर लगता है कि यार उसकी बात मानी, हो सकता है वो शायद गलत ही हो। तो मेरे को लगता है कि वैसे देखो मैं नहीं कहता कि ग्रुप वन ज्यादा अच्छा है या ग्रुप टू ज्यादा अच्छा। अच्छा कुछ लोग सर ऐसे भी बोलते हैं, कुछ बच्चे तो यहाँ तक ये भी आके बोलते हैं कि ना ICSI ने बोला है कि ग्रुप वन पहले करो। ICSI बिल्कुल ऐसा नहीं बोलता, ICSI तो कह रहा है कि कोई भी एक ग्रुप दो, तो आप ग्रुप टू भी दे सकते हो। देखो टीचर के पढ़ाने पर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे पढ़ा रहे हैं। कुछ टीचर्स शायद सर मे भी ऐसा हो सकता होगा, बच्चे बोलते हैं कि जब वो ग्रुप टू पढ़ रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि ये तो आप ग्रुप वन में पढ़ के आए होंगे, तो सर ऐसा है नहीं वैसे मेरे को लगता है। या आपको ग्रुप वन पढ़ा होना चाहिए, हाँ, तभी आपको टू समझ में ऐसा शायद है नहीं कुछ, सर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ग्रुप वन पढ़ने के बाद ग्रुप टू दे सकते हो, आप ग्रुप टू पहले करने के बाद भी ग्रुप वन कर सकते हो। ICSI ने आपको दोनों ऑप्शंस दिए हैं, कुछ सोच समझ के दिए होंगे, बट आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। तो मेरे को लगता है कि यार आप किसी के ऊपर रिलाय करने से बेटर है खुद डिसीजन लो, क्लास लो आराम से 10-15 दिन, डिसाइड करो, उसके बाद हो सकता है 10-15 दिन आप क्लास लो आपको लगे आपसे दोनों ग्रुप हैंडल हो जाए, तो सर आप दोनों ही दे दो यार, उसके तो बेनिफिट ही अपने आप में अलग है। अच्छा एक क्वेश्चन सर और, मेरे को लगता है कि यार आप बताओ सर बच्चे के हिसाब से, अभी जैसे बच्चा कोचिंग ज्वाइन कर लेता है और जैसे हम लोगों ने भी सर अपने बैचेस अनाउंस किए हुए हैं कि मंडे से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 28th November से, तो क्या सर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्लासेस सफिशिएंट होती हैं? क्योंकि CA CET में मेरे को लगता है कि ICSI ना गेम खेल देता है कभी कभी, कोई चीज ऐसे पूछ लेता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, हाँ, जो बिल्कुल बाउंसर होते हैं सर, पता नहीं सिर के ऊपर से जा रहे होते हैं। तो आप सर बच्चों को बताओ यार क्लासेस वगैरह सफिशिएंट है या नहीं है, नोट्स जो हम क्लास में प्रोवाइड करते हैं वो सफिशिएंट है या नहीं है, आप इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करो प्लीज। सर देखो एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो बच्चों के दिमाग में होता है ना, मैं उसको क्लियर कर दूं। बच्चे क्या सोचते हैं सर कि हमने क्लास ले ली बस, हमें सब कुछ आ गया। सही बात है। बट अगर सर आप सिर्फ क्लास पे डिपेंड करोगे ना बेटा तो कुछ नहीं होगा। देखो क्लास में टीचर्स आपको पढ़ा सकते हैं ठीक है, बट अल्टीमेटली इट इज ओनली यू जिसको मेहनत करनी है, आपको पढ़ना आपको ही है। मतलब आपको कितनी बार रिविजन करनी है, आप अपनी कैपेबिलिटीज को खुद जानते हो सर कि आपको कितनी कितनी बार में चीज याद हो रही है, आपको एक बार में चीज याद हो रही है, आपको दो बार में चीज याद हो रही है, तो आपको घर पे खुद से उसको टाइम देना पड़ेगा। यानी मैं सिंपल शॉर्ट में बताऊं, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं सर, सिर्फ क्लासेस से कुछ नहीं होगा, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली मैं बोलूं कि आपको सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी, मतलब कि सेल्फ स्टडी आपको बहुत करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ पढ़ के आ जाते हो, खुद से नहीं पढ़ते हो,
तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वो लोग जो आपको आपने पढ़ा हुआ होगा ना कुछ टाइम तक याद रहेगा आपको, थोड़े टाइम याद, आप उसको रिवाइज ही नहीं कर रहे हो, वो आपको रिटेन ही नहीं रहेगा एग्जाम के तक। आप एक चीज सोचो ना सर, आप 1 दिसंबर को बच्चा क्या करता है, क्लास लेता है, ठीक है, अब जो टॉपिक उसने 1 दिसंबर को पढ़ा वो उसको 1 जून को कहां से याद आएगा? अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आपको 6 महीने तक थोड़ी वो चीज याद रहने वाली है। तो क्लासेस से बेटा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं कि क्लासेस से कुछ नहीं होगा, क्लासेस से ही सब कुछ नहीं होगा, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रही बात दूसरी की सर, कौन सा मटेरियल हमको रेफर करना है, नोट्स क्या करने हैं, नोट्स क्या करने हैं, बुक्स कहाँ से मिलेंगी, इंस्टीट्यूट हमें स्टडी मैट भेजता है तो हम उनसे पढ़ेंगे, या हम जिनके पास कोचिंग लगवाएंगे तो वो लोग हमें ऑथर बुक्स देंगे तो हम वो पढ़ेंगे, या क्या पढ़ेंगे, या चलो सर एक काम करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, जो आजकल मैंने ट्रेंड देखा, मैंने भी जब पढ़ाई की तो मैंने देखा बच्चे क्या करते हैं सर कि जो ऑथर ने बुक दी सिर्फ उसे पढ़ जाते हैं, स्टडी मैट क्या करते हैं लाते हैं इंस्टीट्यूट से और बिल्कुल उसे साइड में सजा के रख देंगे, बिल्कुल ही कुछ खोलना ही नहीं है सर उसको। अगर बेटा आप ऐसा कर रहे हो ना, श्योर शॉट आप गलती कर रहे हो, क्योंकि इट इज स्टडी मैट जो आपको उठाना पड़ेगा, एक बार तो देखना बनता है, बिल्कुल सर, वो तो मैं लगा रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपको लगा लो, वो ग्रंथ है आपके लिए, अगर आप उसे ही नहीं खोलोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, आपको स्टडी मैट गो थ्रू कर लेना। ऐसा नहीं है, देखो टीचर्स जो लोग पढ़ाते हैं उनकी बुक्स में ऑल टुगेदर सारा मैट कवर्ड होता है, ठीक है सर, हमारी बुक्स में भी कवर्ड है। अब अगर आप बिल्कुल मैट खोलोगे ही नहीं ना तो आपको ऐसा फील ही नहीं आएगी, आप एक बार मैट खोल के तो देखो यार, आप मैं कह रहा हूं आप यही चेक कर लो कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो पूरा पढ़ा है कि नहीं, उसमें है कि नहीं, एटलीस्ट कम से कम यही कर लो। तो आपको मैट तो खोल के देखना ही है, ठीक है, आपको मैट तो करना ही करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके ऑथर की बुक्स ठीक है, गुड है, समरी नोट्स गुड है, आपकी टेस्ट सीरीज गुड है, आपके पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सब गुड है, बट आपको स्टडी मैट एक बार गो थ्रू करना है, क्योंकि कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जो आउट ऑफ द स्टडी मैट आया हो, किसी भी सब्जेक्ट का मैं बोल रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम आउट ऑफ स्टडी मैट नहीं आता। तो आपको क्लासेस के साथ साथ सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान देना है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान देनी है कि आपको मैट साथ के साथ कवर करके चलना है, ठीक है, जैसे अभी बात हो रही थी कि आप दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हो, तो आप ये ध्यान रखना कि आपको साथ के साथ पढ़ाई करते चलनी है। अब सर एक चीज बताओ, बच्चे कह रहे चलो इतनी सारी चीजें होगी, क्या बोलते हैं, मैट भी हम कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, अब सर अगर हम दोनों ग्रुप देंगे तो टाइम मैनेज कैसे होगा? और आप एक चीज और बताओ सर, हमको ट्रेनिंग अगर करनी हो इसके साथ, तो अगर ट्रेनिंग भी करनी पड़ गई, पढ़ाई भी करनी पड़ गई, फिर 6 महीने में दोनों ग्रुप हमको देने भी हैं, प्रिपेयर भी करने हैं, क्लास भी लेने, सर कैसे होगा ये? सर देखो मैं आपको बताऊं, ट्रेनिंग वगैरह तुमको कुछ नहीं करनी है, ट्रेनिंग ICSI कहता है भाई एग्जीक्यूटिव जब पास आउट हो जाएगा तब करना, तो अभी तुम्हारे पास ट्रेनिंग का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि हम एग्जीक्यूटिव में सर एनरोलमेंट कराते हैं और तुरंत के तुरंत भाई हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो सकती है, हम अपना टाइम बचा लें, बट सर इंस्टीट्यूट ने आपको ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, आपको ट्रेनिंग अभी एग्जीक्यूटिव से पहले करनी ही नहीं है, आप करना भी चाहोगे तो नहीं कर सकते। ऑन पेपर ICSI ने साफ मना किया हुआ है कि आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते, ट्रेनिंग आपकी तभी पॉसिबल है जब आपके एग्जीक्यूटिव के बोथ ग्रुप्स 8 के 8 सब्जेक्ट निकले हुए हैं, उसके बाद ही आप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो, बिफोर दैट यू आर नॉट अलाउड टू डू योर ट्रेनिंग। तो एक तो ये पहली बात होगी सर कि ट्रेनिंग का तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, है ना, हाँ खुश हो जाए अब, जो मेरे को लगता है कि भाई पढ़ाई पे ध्यान दो। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, CSET वॉज लाइक अ लॉलीपॉप तुम्हारे लिए, भाई साहब मैं तुमको बता रहा हूँ जमीन आसमान का अंतर है, अब आपको सीरियस होना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, देखो जो बच्चे ग्रुप एक ग्रुप देंगे उनके लिए मेरे को लगता है सर टाइम मैनेज करना इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, क्योंकि देखो हाँ सर मैट जैसे करण सर ने बोला कि मैट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को भी लगता है सर कि इक्वली मैट इंपॉर्टेंट है, और अगर आप मैट से नहीं पढ़ रहे ना पढ़ो, बट जैसे सर ने बोला कि आप उसको एक बार गो थ्रू करो, बस ये देख लो कि जो हम लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा है, या आपने सेल्फ स्टडी की है, जो भी किया है, तो वो कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो पता लगे कि कुछ चीजें मैट में हो और आपने अपनी बुक्स में ना कवर की हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर मैट को रेफर करो। बस सर मैट में थोड़ा सा मेरे को लगता है कि बच्चा क्यों नहीं रेफर करता, उसका एक बड़ा रीजन भी है, रीजन ये है कि ना सर थोड़ा सा ना वो यूजर फ्रेंडली नहीं लगता, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है, बट फिर भी मेरे को लगता है, हाँ ब्लैक एंड व्हाइट सर, तो मेरे को लगता है कि फिर भी लेकिन कोड़ा घूट पी के एक बार उसको रेफर कर लेना, ठीक है। और दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट की बात, देखो जो एक ग्रुप बच्चा दे रहा है उसमें क्या है, 3 दिन क्लासेस होती हैं, फिर 3 दिन ब्रेक होता है। अब क्योंकि 3 दिन ब्रेक है तो मेरे को लगता है कि आप 3 दिनों में वो जो 3 क्लासेस में आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, नोट्स अच्छे से बन सकते हैं। लेकिन जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, देखो अगर हम दोनों ग्रुप दे रहे हैं क्योंकि हमको दोनों ग्रुप देने के बाद भाई बेनिफिट भी बहुत बड़ा मिल रहा है, पेन है लेकिन ये 110% है सर कि गेन भी बहुत बड़ा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार वो गेन अचीव करना चाहते हो ना कि दोनों ग्रुप एक साथ एक वन शॉट में क्लियर करना चाहते हो, तो भाई आप 10 से 12 घंटे के लिए अपनी कमर कस लो कि आपको 10 से 12 घंटा तो मिनिमम साइड आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और जब आपकी क्लासेस चल रही हो तो आप साइड बाय साइड, जैसे ही आपकी क्लासेस खत्म हुए आप रात में घर में जाके शाम को रात में आप नोट्स अपने जो तैयार करने करिए,
जो आपने क्लास में पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करिए। अगर आप डेली के डेली ये पैटर्न फॉलो करते हो तो मेरे को नहीं लगता कि सर आखिरी में कोई प्रॉब्लम होगी। अगर आप डेली के डेली हफ्ते हफ्ते में चीजें रिवाइज करते चल रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि दोनों ग्रुप निकालना एक बहुत बड़ी पहाड़ चीज है। पॉसिबल है सर, अचीवेबल है, इंस्टीट्यूट आपको ऑप्शन दे रहा है, इंस्टीट्यूट बच्चों को पास भी कर रहा है, तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि भाई ये तो होना ही नहीं वाला अचीव, तो इम्पॉसिबल टास्क तो नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है सर। अच्छा सर, जैसे कुछ एक दो चीजें और भी हैं सर, ऐसे कि बच्चे कह रहे हैं जैसे कि सर पास, अच्छा बताए मैंने सर कुछ बच्चों को तो ऐसे देखा है कहते हैं स्कैनर पढ़ के चले जाओ पास हो जाओगे, मतलब हद होगी सर, मतलब बच्चे कह रहे हैं पास या एग्जामिनेशन क्वेश्चन पढ़ो और भाई सब पास हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, इन चीज़ों से बाहर निकलो, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगी चीज़ें, और अब तुम बड़े हो गए हो, नाउ यू आर नो मोर अ किड, यू आर अ सीनियर गाय, तो मेरे को लगता है कि यार आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और अब हमारी क्लासेस सर, अब हम लोग पटेल नगर लक्ष्मी नगर दोनों लोग ही दोनों जगहों पर हम लोग पढ़ा रहे हैं सर, और सर आप इनको एक चीज़ बता दो जरा पहले, एक छोटा सा बेनिफिट कि अंडर वन रूफ सारे सब्जेक्ट पढ़ने का क्या बेनिफिट है, क्योंकि शायद मेरे को लगता है कि बच्चा इधर उधर भटक जाता है और इधर उधर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस करने के चक्कर में फंस जाता है। और इसी अप्रोच को लेकर सर हम लोगों ने इस बार, आपको पता ही है सर कि हम लोग अब सब सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल टीचर्स हम लोग सब पढ़ा रहे हैं, सब अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलाइज हैं, तो मेरे को लगता है कि अब पटेल नगर लक्ष्मी नगर दोनों जगह क्लासेस चलेंगी और सेम टीम होगी और हर पर्टिकुलर टीचर एक रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ाएगा, तो मज़ा तो कुछ और ही आएगा सर। तो बच्चे को सर क्या पटेल नगर लक्ष्मी नगर दोनों आने जगह आना है या एक जगह भी आएगा तो काम चलेगा? सर देखो मैं तो ये कहूँगा, जिस बच्चे को ऐसा रहता है कि मेरे को कोर्स बहुत जल्दी खत्म करना है, कि मेरा कोर्स चार महीने ना जाके मेरे को दो महीने में खत्म हो जाए, तो आप एक काम करो, आप दोनों जगह आ जाओ। अगर एक ग्रुप दे रहे हो, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो, क्योंकि दोनों ग्रुप में तो फिर आपका पॉसिबल ही नहीं है ना आना, क्योंकि एक ही जगह एक क्लास चल रही है, दूसरी जगह दूसरे ग्रुप की क्लास चल रही है, तो भी चलेगा बिल्कुल सर। बट अगर इनकेस भी बच्चा सोचता है कि चलो, कुछ बच्चे होते हैं सर कि हमको, क्योंकि कुछ लोग दिल्ली के बाहर से आए होते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो हम लोग फटाफट से कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं फिर अपने घर चले जाएंगे, फिर वहां पे पढ़ लेंगे, यहाँ पर नहीं रहेंगे, तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो यू कैन डू सो, ठीक है, आप दोनों जगह भी आ सकते हो। अच्छा अगर आपको ऐसा भी रहता है कि नहीं जी हमको दोनों जगह नहीं आना, आप एक जगह आओ, आपका कोर्स कंप्लीट होगा टाइम पे, आपके पास रिवीजन के लिए टाइम बचेगा, आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। हाँ, एक छोटी सी चीज मैं और सर मेरे को लगता है क्लैरिफाई कर देनी चाहिए कि अच्छा कुछ बच्चों को सर ये भी डाउट रहता है कि ना बच्चे कहते हैं शायद मैं दूंगा एक ही ग्रुप बट मैं क्या पढ़ दोनों लूँ, मेरे को लगता है यार वो भी ठीक है कि आप भले ही दोनों ग्रुप पढ़ लो, आप दोनों ग्रुप की क्लासेस कर लो, भले ही आप अपीयर एक ग्रुप के लिए कर लेना और आप अपना खुद डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा ग्रुप देना है ना, ये भी पॉसिबल है सर कि दोनों ग्रुप की आप क्लासेस इकट्ठे ही कर लो। बट सर मैं ये कहूंगा वो ना बच्चा ही डिसाइड करे। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, आप दोनों ग्रुप की क्लासेस कर लो फिर उसके बाद आप ग्रुप डिसाइड कर लो। कई बार बच्चा ये सोचता है सर कि मैंने क्लासेस दोनों की करी, लेटर ऑन मेरा डिसीजन बन गया जी मेरे को एक ही ग्रुप देना है, तो वो ये सोचता है कि जिस समय मैंने दोनों ग्रुप की क्लास करी मेरा टाइम चला गया। यही यही ये भी है, मैं टाइम ना देता। जो बच्चे बाहर से आते हैं ना उनके लिए मेरे को लगता है ठीक है, टाइम बचाना चाहते हो, वो बच्चे पे डिपेंड करेगा कि बच्चा क्या डिसाइड करता है। तो दोनों ऑप्शंस हैं, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप डिसाइड करो कि देखो आप अगर उसके ना दोनों परसेप्शन है, आप ये सोच रहे हो कि मेरा अभी के लिए टाइम चला गया, ठीक है, बट आपके पास एक डेढ़ महीना बचेगा एक ग्रुप के लिए भी, तब भी आराम से बचेगा, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अच्छा अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा टाइम चला गया, तो यार ये भी तो सोचो कि एग्जाम देने के बाद जून के बाद टाइम सारा बचा भी तो हुआ है, आपकी कोचिंग तो कंप्लीट है, अब आपको चार छह महीने में सिर्फ रिवीजन करनी है, पढ़ो आराम से। अगर आप ये वाला परसेप्शन लेते हो तो आप ऐसे ही कर लो। अच्छा अगर आप दूसरा व्यू पॉइंट लेते हो कि नहीं जी सर मैं तो टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं ये सोचूंगा मैं एक दिन एक पढ़ाई करूं, क्लास लूं, अगले दिन आके उसको पढ़ लूं, तो आप वो देख लो, बिल्कुल जो आपको लगे, जो आपको ठीक लग रहा है आप वो डिसाइड कर लो। मतलब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट को खुद डिसाइड करना चाहिए, मेरे को लगता है ज्यादा बिल्कुल। हाँ एक एडवांटेज ये रहेगा, अगर आप अंडर वन रूफ आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपका कम्यूटिंग टाइम बच गया। दूसरी चीज आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा, हर टीचर का आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा, कोई क्लैशेस नहीं होंगे, कोई क्लैशेस नहीं है, सबसे बड़ी बात है सर कोई क्लैश ही नहीं है, सियापा ही मुक गया आपका, मेरी वहां क्लास है मेरी ये क्लास है, सर संडे वो मत क्लास रखो, ये मत रखो वो मत रखो, सब पंगा खत्म। आप आओ क्लास लो, कोई क्लैश ही नहीं है, कोई क्लैश नहीं, सीधी सी बात है, आपकी कोई क्लास में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कोई क्लास में क्लैश नहीं आने वाली, इजिली आप पढ़ लोगे सारी, आपकी रिविजन हो जाएंगी और बहुत ऐसा आपको बिल्कुल फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, हर तरीके कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है सर। एक चीज और सर, बच्चे अगर किसी को आप लोगों को डाउट हुआ करें ना तो आप हमको तो मतलब हमारे से तो कांटेक्ट कर ही सकते हो, हमारे तो कांटेक्ट डिटेल्स एकदम ऐसा लगता है सर कि ना पर्चे छपे हुए हैं हमारे, और बच्चों के पास हमारे नंबर है, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल करिए आप, बिल्कुल करिए, बिल्कुल जी सत के आइए आप हमारे पास। लेकिन एक हेल्पलाइन नंबर और अभी ऊपर फ्लैश होगा, मैं आपको अभी रिपीट भी करता हूँ हेल्पलाइन नंबर क्या है, ऊपर स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा होगा सर,
और वो हेल्पलाइन नंबर ICSI का स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे, जैसे आपका मॉड्यूल रिसीव नहीं हो रहा, या आपका कोई मेल आईडी गड़बड़ हो गया है, मोबाइल नंबर ICSI में गलत चला गया है, या कुछ भी, इफ एंड बट कोई भी ICSI के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी है, आप हमसे भी पूछ सकते हैं, हम भी आपको जवाब देंगे। बट ICSI का स्टूडेंट पोर्टल है सर, हमारा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से काम कर रहा है सर। उसने एक नंबर दिया हुआ है, मैं आपको रिपीट करता हूँ, 0120 0120 इज द कोड, और उसके बाद नंबर है 4522000, 4522000। ये ICSI का हेल्पलाइन नंबर है सर। अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम लगे तो बिजनेस आवर्स में, लाइक आप 9 to 5 के बीच में, आप कभी भी उनको कॉल कर सकते हैं सर, वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। तो मेरे को लगता है सर, अब मेरे को लगता है कि हम लोगों ने लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। अगर अभी भी किसी बच्चे को लगता है कि भाई उसका कोई क्वेश्चन रहता है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन रहता है। और अगर आपको हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट लगी हो, आपके किसी 2-4 क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो गया हो, तो मेरे को लगता है सर इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। कंक्लूड करें सर फिर, तो कब मिल रहे हैं फिर हम लोग सर? सर मैं कह रहा हूँ मंडे को मिल रहे हैं। बच्चे बोल रहे हैं, अभी बता रहा हूँ आपके पास लाइन लगने वाली कमेंट्स की अभी भी कि सर ये डाउट क्लियर कर दो, ये डाउट क्लियर कर दो। करेंगे सर, करेंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो हम बना के लेके आएंगे कि क्राइटेरिया क्या रहता है आपका, पासिंग का क्राइटेरिया, एग्जेम्पशन क्राइटेरिया, एक सेपरेट वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे जिसपे आपको पूरी क्लैरिटी देंगे क्या। अभी मैंने वैसे थोड़ा सा बताया था, बट स्टिल हम क्या करेंगे फिर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे पूरा। अच्छा, एग्जेम्पशन क्राइटेरिया कितने हैं लोगों को पता ही नहीं होता, 2 क्राइटेरिया है, दूसरा वाला कितने तक है सर, ठीक है, हर चीज मतलब एवरीथिंग वी विल टेल यू, बिल्कुल, चाहे वो पासिंग क्राइटेरिया हो, एग्जेम्पशन क्राइटेरिया हो, सेट ऑफ क्राइटेरिया हो, जो भी है उसकी एक हमने जो अपनी अगली वीडियो बनानी है वो बनानी है इसी पे बनानी है, पासिंग क्राइटेरिया और एग्जेम्पशन क्राइटेरिया, ठीक है सर। चलो, वी आर वेटिंग फॉर यू ऑल, आप आइए मंडे को आइए, हाँ आपसे मिलेंगे, बिल्कुल, वेलकम यू टू आर वेंचर ऑफ सी अरुण सेठ क्लासेस एंड वीजी स्टडी। चलो जी, बाय बाय, चलो सर, सो गुड बाय एवरीवन, गुड बाय, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, आप अच्छे से एंजॉय करिए और मंडे से क्लासेस स्टार्ट करिए, चलो गुड बाय एवरीवन, बाय बाय।